बहुत खुशबू आ रही है आजकल। हाँ यस मैम। मैम मैं सैलड लेके आ रहा हूँ। वाली सॉस दीजिएगा। वली जी अम्मी जान, वली इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब खैरियत है जी? वो अम्मी जान रामीन, अब आप इतने बड़े हो गए कि हमसे सवाल करने लगे? नहीं अम्मी जान, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वली मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी बातें होती रहती हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर तलाकें नहीं हुआ करती, बेटियां यूं घर पे आकर नहीं बैठा करती। छोटी बात है ये? आप लोगों को ये बात छोटी बात लगती है? वली आप हमारे बेटे हैं और रामीन हमारी बेटी, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी अम्मी जान आपकी दुश्मन है तो बता दीजिए। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। मतलब कुछ भी था, जस्ट स्टॉप इट वाली। मैंने रामीन के शौहर से बात कर ली है। बात 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 ही कर रहे हैं हम बाबा, हम बात करते और चार दिन बाद फिर ये मामला हो जाता है। अगर आप लोग उसके माँ बाप हैं तो मैं भी उसका भाई हूं, इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। देख रहे हैं आप इसे, कुछ दिनों से इसे पता नहीं क्या हो गया है। इतनी मोहब्बत बहन की, हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। अच्छा फायजा तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। देखो जब औलाद जवान हो जाती है तो उसे अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा, तुम खाना खाओ।